19 मई 2023 ओडिशा में सावित्री व्रत के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में समग्र विश्व से हजारों की संख्या में भक्त महाप्रभु के दर्शन करने आए थे, परंतु कलयुग के धाम में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण अधिकांश भक्त बिना दर्शन किए ही लौट गए एवं 200 हंडी महाप्रसाद को नष्ट किया गया। पिछले एक सप्ताह से मैं आप सबको लगातार जगन्नाथ मंदिर से जुड़े भविष्य मालिका की भविष्य शवाणियां सुना रहा हूं। ये मैं नहीं कर रहा, महाप्रभु जगन्नाथ करवा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा संकट आ रहा है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु अपने अंग अपने वाहन गरुड़ से कलयुग के अंत के विषय में कहते हैं, 23 अंकरे ओडिशा वक्षरे होइब जल गहड़, 24 अंकरे गुपत मारुणी सुण बिनतार बाल। अर्थ 23 अंक में ओडिशा क्षेत्र में होगा जल प्रलय, 24 अंक में गुप्त मृत्यु, सुन विनता के बालक। क्या आप बता सकते हैं कि इस पंक्ति में विनता कौन है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। भविष्य मालिका के माध्यम से प्रकाशित इस भविष्यवाणी के अनुसार छतिया धाम के 23 अंक में ओडिशा राज्य में बड़े स्तर का जल प्रलय होगा, यानी बाढ़ आ सकता है या फिर सुनामी। वहीं छतिया धाम के 24 अंक में पूरे विश्व में मनुष्यों का होगा गुप्त मृत्यु, परंतु ये गुप्त मारुणी यानी गुप्त मृत्यु किस कारण से होगा? किस नए बीमारी के कारण, या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण, या फिर तृतीय विश्व युद्ध के कारण? छतिया धाम का 23 अंक यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2023 एवं छतिया धाम का 24 अंक यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2024 सनातन की पवित्र धरती भारतवर्ष का नया वर्ष अप्रैल से आरंभ होता है। गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार 2024 में मनुष्य त्राहिमाम चित्कार करेंगे, भक्त कल की अवतार को स्मरण करेंगे, वहीं कली ग्रासित विश्व में नाना प्रकार के आतंक विस्तार करेंगे, इसे अनजान कि उनका विनाश उनके अपेक्षा में बैठा है। सावित्री व्रत के दिन जगन्नाथ धाम के 4 द्वार में से 3 को बंद कर दिया गया, यह जानते हुए कि उस दिन हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगेगी। फल स्वरूप हजारों भक्त जो विश्व के कोने कोने से आए थे, आंखों में आंसू लिए वापस लौट गए एवं महाप्रभु जगन्नाथ कली ग्रासित मनुष्यों का शिकार बन गए। 200 हंडी महाप्रसाद को नष्ट करना पड़ा। मर्त्य वैकुंठ समग्र संसार का केंद्र बिंदु जगन्नाथ धाम का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है भला? यदि परिस्थिति ऐसी है तो भगवान विष्णु जी के द्वारा कही गई वाणी सत्य क्यों नहीं होगा? जगन्नाथ धाम का आकाश लाल होना, नील चक्र पर गिद्ध पक्षी का बैठना, पवित्र महाप्रसाद को इतने बड़े मात्रा में नष्ट किया जाना, भक्तों का महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन से वर्जित रहना, सेवकों के बीच झगड़े हाथापाई होना, मंदिर के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु होना, ये सब साधारण नहीं है मेरे प्रिय मित्रों। मैं बार बार आप सबको सतर्क कर रहा हूँ, आने वाला समय मनुष्य समाज के लिए सबसे कठिन होने वाला है। केवल वही टिकेंगे जो सत्य धर्म न्याय का पालन करते हैं, बाकी जितने बचे अपना अपना देख लेना। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि जगन्नाथ धाम के मुख्य सेवक का नाम क्या है। आप में से अधिकांश सदस्यों ने मुख्य सेवक की जगह मुख्य पुजारी जी का नाम कह दिया। जगन्नाथ धाम के मुख्य सेवक का नाम है गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव। पूरी धाम के राजा मात्र एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। बाकी मनुष्य रूप में जो राजा बनते हैं वो उनके मुख्य सेवक के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए तो आप सब ने देखा होगा, तीनों रथों पर जब तक राजा झाड़ू नहीं लगा लेते तब तक रथ यात्रा आरंभ नहीं होता। विजेता का नाम है शिवाजी इंगले। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।